आज आप देख रहे होंगे जहां छोटी छोटी बातों को लेकर दंगा होता था, कुर्बानी को लेकर के दंगा होता था, सड़कों पे नमाज पढ़ने को लेकर दंगा होता था। आपने देखा होगा कुर्बानी को लेकर कोई डिमांड नहीं हुआ, इस पर सड़क पे कोई नमाज नहीं, धर्मस्थल से माइक उतर गए या उनकी वैल्यू कम हो गई। और मैं तो कहूंगा अगर आपके अगल बगल कोई किसी धर्म स्थल पर बहुत तेजी के साथ बजाने का कार्य, माइक को बजाने का कार्य कर रहा है, नजदीकी थाने पे उसकी सूचना लिखी, सूचना देकर के मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत करवा दीजिए। आप देखेंगे वो स्वयं अपनी आवाज और अपना उस दायरे में आएगी जिस दायरे में उस आवाज को बोलनी चाहिए। किसी भी धर्म स्थल की आवाज उसके परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए, यह एक संकल्प हम सबका होगा। क्योंकि अगर बगल कोई भी बीमार व्यक्ति हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है, कोई नवजात शिशु हो सकता है, तेज आवाज उसकी बीमारी का कारण हो सकता है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकता है, किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए। लोक व्यवस्था को भंग करने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए। एक अनुशासित जीवन ही, एक नियमित और सैनिक जीवन ही हमेशा किसी समाज को और किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ा सकती है। और ये नियमित और सैनिक जीवन में ही उत्तर प्रदेश के प्रशासन को बदला है, उत्तर प्रदेश के अंतर के बारे में देश और दुनिया की धारणा को बदला है। और आज धारणा को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम सब संकल्पित होकर के कार्य कर रहे हैं।